तमाम अपने नेताओं से, वक्ताओं से अनुरोध करता हूं कि अब बहुत सारे हमारे लीडर्स के विचार हमको इस मुद्दे पे सुनना है, तो सभी आने वाले वक्ताओं से मेरा अनुरोध है कि संक्षेप में अपनी बात रखें। अब इसी कड़ी में मैं मौसूक नूर साहिबा जो टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको जो है आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और हम लोगों को संबोधित करें। नूर पहले सबको मेरे आदाब नमस्कार। इंडिया अलायंस के लीडरशिप यहाँ सब मौजूद है। मैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हमारी नेत्री ममता बनर्जी के पार्टी से यहाँ उपस्थित हूँ। मैं सिर्फ ये आपसे अपील करना चाहूँगी कि अब जो बीजेपी का सरकार देश में डेमोक्रेसी मुक्त और गरीबों की जो आवाज़ को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑपोजिशन के आवाज़ को बंद करने की, कत्ल करने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए इतने सब सीनियर लीडरशिप, सब पार्टियों के लीडरशिप यहाँ उपस्थित हुए हैं। इंडिया अलायंस आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस बीजेपी का जो अन्याय है, अत्याचार है, उसके खिलाफ एक आवाज़ होके आपके सामने आए हैं। तो वो बीजेपी जो डेमोक्रेसी को कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी आवाज़ है। वो लोग जो बीजेपी कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी मुक्त देश को गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग आपके पास ये अपील रखेंगे कि बीजेपी मुक्त देश हम लोग कर सके। इसी कुछ बातों से मैं आपको सबको धन्यवाद देके मेरी वक्तव्य खत्म करती हूँ। थैंक यू। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डी राजा साहब को, जो सीपीआई के हमारे